20 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में गोचर करेंगे। कुंभ राशि में इनका ये गोचर मकर राशि और लगन वालों के लिए कैसा रहेगा, इस वीडियो में हम इस बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, मकर राशि या फिर लगन की कुंडली को अगर देखा जाए तो आपकी कुंडली में जो बृहस्पति के पास स्वामित्व है वो 12वें भाव का है और 3rd हाउस का भी है। तो 3रे और 12वें भाव का स्वामित्व है और बृहस्पति आ रहे आपके 2nd हाउस में। अब काल पुरुष की कुंडली में अगर हम बात करें तो बृहस्पति लाभ स्थान में आ रहे हैं और लाभ स्थान के जो बृहस्पति काफ़ी बेहतर होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं। साथ में बृहस्पति जिस भाव में गोचर करते हैं वहाँ पर वो ड्यूअलिटी देते हैं, वो द्वैतता देते हैं। तो यहाँ जो आपके जिस प्रकार से अगर हम माने बृहस्पति के रिजल्ट को, तो यहाँ पर फैमिली में विस्तार होगा, यानी फैमिली में कोई ना कोई नया सदस्य आएगा आपकी फैमिली में और साथ में धन का भी विस्तार होने वाला है। तो आपको बहुत बड़ी मात्रा में प्रॉपर्टी मिलना, धन मिलना, ये सारी संभावनाएं बनती हैं। और बृहस्पति द्वि स्वभाव राशियों का ही स्वामी है, धनु और मीन का। तो ऐसे स्थिति में जो द्वैत नेचर है बृहस्पति का, वो कहीं ना कहीं आपको मिलने वाला आपके 2nd हाउस में। ऐसे स्थिति में आपके फैमिली की वृद्धि होना, आपके धन की वृद्धि होना, प्रॉपर्टी की वृद्धि होना, ये सब हो सकता है। लेकिन बृहस्पति यहाँ पर देखिए आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देगा। थोड़े बहुत खर्चे जरूर करवाएगा, लेकिन वो सारे खर्चे आपके शुभ कार्यों में ही होंगे या सही जगह पर ही पैसा खर्च होगा। ऐसे नहीं कि आपको हर कहीं पर पैसा आप खर्च कर देंगे। बृहस्पति के इस गोचर में आपको चाहिए कि आप तो नॉनवेज वगैरह का सेवन बिल्कुल भी ना करें। साथ में जिस भी व्यक्ति के साथ आप व्यवहार करते हैं, अच्छा व्यवहार करें, झूठ नहीं बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। साथ में आप किसी के साथ भी चालाकी ना करें और गलत तरीके से पैसा कमाने का, किसी से पैसा ठगी के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास ना करें तो बृहस्पति का रिजल्ट अच्छा रहेगा। साथ में बृहस्पति 12वें भाव के स्वामी हैं, तो पहले ये आपके लिए किस प्रकार से रिजल्ट करेंगे। देखिए, 12वें भाव के स्वामी होने की वजह से फैमिली के साथ कोई विदेश यात्रा करना चाहें तो समय अच्छा रहेगा। इसके अलावा फैमिली में आपके शुभ कार्य या धार्मिक कार्य अभी तक रुके हुए थे तो अब फिर से शुरू हो सकते हैं। फैमिली में किसी का विवाह होना या कोई अन्य ग्रह प्रवेश जैसा शुभ कार्य हो तो वो हो सकता है। साथ में आपको बृहस्पति खर्चे करवाने वाले हैं, साथ में धन भी देने वाले हैं, लेकिन खर्चे भी साथ साथ करवाने ही वाले हैं। तो जो भी खर्चे होंगे आप अपने प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों के लिए, घर के कार्यों के लिए या कोई धार्मिक आयोजन कर लेंगे तो उनके लिए खर्चे होने वाले, साथ में खान पान के लिए खर्चे होने वाले। इसके साथ साथ आपकी फैमिली में जो वृद्ध लोग हैं, जो ओल्ड एज के लोग हैं, उनके लिए भी खर्चे हो सकते हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए खर्चे हो सकते हैं इस दौरान। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। साथ में देखिए, इस समय आपको सात्विक भोजन करना चाहिए और नियमित रूप से आपको अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना चाहिए। अदरवाइज आपको या आपकी फैमिली में से किसी को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ आ सकती हैं। इसके अलावा बृहस्पति आपके वाणी स्थान पर आ रहे हैं, तो आप अपनी वाणी का जो इस्तेमाल है काफ़ी सोच समझ कर करने वाले, आप काफ़ी अच्छे से शालीनता के साथ किसी के साथ भी व्यवहार करने वाले। इस समय आप किसी के साथ भी गुस्सा ना करें इस गोचर में और अपना व्यवहार खराब ना करें। साथ में देखिए, आपके 2nd हाउस की वृद्धि करने वाले बृहस्पति, तो इसके साथ साथ आपको धन भी प्राप्त होगा। अब ये धन आपको अलग अलग स्रोतों से प्राप्त हो सकते हैं, आपके इनकम के जो सोर्स हैं वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा देखिए, बृहस्पति 3rd हाउस के भी स्वामी, तो 3rd हाउस के स्वामी होने की वजह से आप अपनी फैमिली से काफ़ी अटैचमेंट रखेंगे इस बृहस्पति के गोचर में। फैमिली के इम्प्रूवमेंट के लिए, फैमिली के लिए, धन वृद्धि के लिए बहुत कुछ आप करने वाले, तो ज़्यादातर जो मेहनत आप करने वाले वो अपनी प्रॉपर्टी प्राप्त करने के लिए, प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए करने वाले, अपनी फैमिली के लिए करने वाले और अन्य कोई भी आपका कार्य है उसके लिए भी आप काफ़ी मेहनत करने वाले। अब बृहस्पति तृतीय भाव का स्वामी होने की वजह से आपकी फैमिली और आपके आसपास के जो लोग हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, उनके साथ भी आपका अच्छा संबंध रहेगा, तो उनसे भी आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा। बृहस्पति देखिए, जो दृष्टियां डालेंगे अपनी, सबसे पहले 6th हाउस पर दृष्टि डालेंगे, तो आपके ऑफिस के रूटीन में अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो वो दिक्कत आपकी दूर होगी, आप अपना कार्य नियमित रूप से कर पाएंगे। साथ में आपको शत्रुओं से प्रॉब्लम है या कोई प्रॉपर्टी का मैटर अभी अटका हुआ है बीच में, कोई कोर्ट केस वगैरह, कुछ मुकदमा वगैरह चल रहा है, तो वहाँ पर बृहस्पति आपको सपोर्ट करने वाले। साथ में बृहस्पति यहाँ पर आपका किसी से भी कोई विवाद है तो विवाद सुलझा देंगे और जितने भी प्रकार की आप अभी समस्याएं झेल रहे हैं उन सबको दूर करने वाले।
अगर देखा जाए तो बृहस्पति के इस गोचर में आपको चाहिए, किसी के साथ भी पैसे का लेन देन करते हैं तो सावधानी बरतें, आप किसी को भी पैसा उधार ना दें। अगर आप किसी से पैसा उधार लेते भी हैं तो भी आपको सोच समझकर डिसीजन लेना चाहिए। इसके अलावा आप यहाँ पर निश्चित रूप से अपने रूटीन को सही तरीके से फॉलो करें और आप अपने जो साथ वाले, जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ उचित और अच्छा व्यवहार करेंगे तो समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बृहस्पति यहाँ से जो अपनी अगली दृष्टि डालेंगे, सप्तम दृष्टि, वो अष्टम भाव पर डालेंगे तो पैतृक संपत्ति से आपको फ़ायदा होगा, अपने इन-लॉज से फ़ायदा होगा। और अगर पैतृक संपत्ति में किसी प्रकार की आपको दिक्कत आ रही है, किसी प्रकार का कोई विवाद चल रहा है, तो वहाँ पर भी आपके लिए जो रिजल्ट हैं अच्छे होंगे। बृहस्पति आपका एक्सीडेंट वगैरह होना, कोई चोट दुर्घटना वगैरह होना, ऐसी जो समस्याएं आने वाली आपके जीवन में, वो अप्रैल तक रोकने वाले। तो अगर आपको कोई चोट लगती है, दुर्घटना होती है, तो वो यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, जिसकी वजह से आपको बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा या आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। साथ में अचानक धन प्राप्त होना, आपकी फैमिली का, आपका खुद का इंटरेस्ट, साइंटिफिक जो विषय है उनमें रहना, अकल्ट में रहना, ये सारी घटनाएं हो सकती हैं। साथ में आपको अचानक प्रॉपर्टी मिलना, धन मिलना, ये सब भी घटित हो सकते हैं। इसके अलावा आपको इस समय जो खान पान है, खान पान में आप विशेष कुछ रूल्स फॉलो करने वाले हैं और कुछ स्ट्रिक्ट रूल आप अपने लिए, अपने फैमिली के लिए आप बनाने वाले इस दौरान, तो ये समय काफ़ी बेटर कहा जा सकता है। इसके बाद जो अगली दृष्टि, नवम दृष्टि बृहस्पति डालेंगे, वो यहाँ पर आपके टेंथ हाउस पर डालेंगे। तो टेंथ हाउस पर डालने की वजह से अगर आप अभी बिल्कुल फ्रेश जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, आपको जॉब मिल सकती है। इस गोचर में आपका जॉब चेंज हो सकता है, आपको एक अच्छी बेहतर जॉब मिल सकती है। अगर आप अपनी जॉब से परेशान हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं, जो लोग प्रमोशन का इंतज़ार कर रहे हैं, उनको अच्छा प्रमोशन मिल सकता है, आपकी इच्छा के अनुरूप आपका प्रमोशन हो सकता है। इसके अलावा आपका सैलरी बढ़ सकता है और अन्य जो भी आप कुछ चाहते हैं, सरकारी लाभ चाहते हैं किसी प्रकार का, या कोई अन्य इम्प्रूवमेंट चाहते हैं अपने करियर में, तो वो भी आपको मिलेगा। बृहस्पति की दृष्टि होने से एक बार जॉब चेंज होने के या जॉब का जो स्थान है वो बदलने के चांसेस बनते हैं, तो ऐसे चांसेस आपके भी आ सकते हैं मकर राशि और लगन वालों के। साथ साथ में जो लोग अभी परेशान चल रहे हैं अपने बॉस के व्यवहार से, या कोई अन्य प्रकार की सरकार से कोई समस्या चल रही है, और जो टीचिंग लाइन से विशेषकर जुड़े हुए हैं, जो न्यायालय के कार्यों से जुड़े हुए हैं, जो लॉ के कार्यों से जुड़े हैं, उनको विशेष लाभ होने वाला है। जो स्पिरिचुअल वर्क करते लोग, इस फील्ड में जो काम करते लोग, उनको भी काफ़ी फ़ायदा बृहस्पति देने वाले। तो हो सकता है आप अगर पार्ट टाइम जॉब भी अगर करना चाहें अपने मेन जॉब के साथ, तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति है वो द्विस्वभाव को दर्शाता है, और यहाँ पर आपको दूसरी जॉब भी साथ साथ करने को मौका मिल सकता है। तो यहाँ पर बृहस्पति जॉब के मामले में आपको काफ़ी बेहतर रिजल्ट देने वाले। साथ में बृहस्पति के इस गोचर में आप आने वाले समय के लिए अपनी कोई फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं, अपने जॉब के लिए, अपने करियर के लिए, आपको किस तरह से आगे बढ़ना है। साथ साथ ये जो बृहस्पति रहेगा, ये आपका, आपकी एजुकेशन के लिए अच्छा रहेगा, आपकी फैमिली के लिए, फैमिली के इम्प्रूवमेंट के लिए और फैमिली की खुशहाली के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। बृहस्पति 12वें भाव का स्वामी होने की वजह से जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं जॉब के माध्यम से, या विदेश में जॉब वगैरह पाना चाहते हैं, विदेश में सेटल होना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बृहस्पति का जो गोचर है वो यहाँ पर आपकी सहायता करने वाला है। तो जॉब में अगर देखा जाए, धन प्राप्ति की दृष्टि से देखा जाए, तो आप एकदम से लकी रहने वाले हैं, और बृहस्पति यहाँ पर मकर राशि और लगन वालों की पूरी पूरी सहायता करने वाले हैं। तो इस गोचर का आपको पूरा लाभ लेना चाहिए। अब जिनकी कुंडली में बृहस्पति बहुत ही खराब स्थिति में होगा, उनकी कुंडली में ये बृहस्पति आपको खर्चे बहुत ज़्यादा करवा सकता है, या फिर फैमिली में किसी की हेल्थ इम्प्रूवमेंट के लिए खर्चे हो सकते हैं, और शुभ कार्यों के लिए भी बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं। तो धन के जो खर्चे हैं उनको लेके ही आपको ज़्यादातर परेशानी यहाँ पर आने वाली है। बाकी आपको यहाँ पर डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बृहस्पति उस राशि में आ रहे हैं जहाँ पर वो अपना सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देते हैं कालपुरुष की कुंडली में, तो यहाँ पर भी आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको कोई कुछ भी बोले, नेगेटिव रिजल्ट बताएं, तो हो सकता है वो उनकी एक अलग सोच हो सकती है, बट यहाँ पर बृहस्पति के साथ अगर देखा जाए तो कुछ भी नेगेटिव नहीं है। थोड़े बहुत खर्चे ज़रूर हो सकते हैं। साथ में अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति की जो स्थिति अगर ख़राब है,
तो ये जो मैंने रिजल्ट बताए हैं वो आपको उतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे। अगर किसी की महादशा ही बृहस्पति की चल रही है तो उसको ये रिजल्ट सर्वाधिक मिलने वाले हैं, और जिनकी कोई अंतर्दशा वगैरह चल रही है या कोई और प्रत्यंतर वगैरह चल रहा है उनको भी बृहस्पति के थोड़े कम रिजल्ट मिलने वाले हैं। लेकिन अगर बृहस्पति आपका बहुत ही खराब स्थिति में बैठा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा पीड़ित है कुंडली में, तब हो सकता है कि आपको ये जो अच्छे रिजल्ट हैं वो थोड़े कम मिले। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।